Hi friend, how are you doing? Thank you very much for joining the video. I suggest you to watch this video till the end because I'm gonna share some of my experiences when I was in this stage of learning English, what all I did and how I became fluent at English. सबसे पहली चीज़ तो ये है, इट विल नेवर हैपन ऑल ऑफ द सडन. ये अचानक से कभी भी नहीं होगा. एनी थिंग इन योर लाइफ, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब, यू आर ट्राइंग टू सेट अप अ बिजनेस, कुछ भी अचानक से नहीं होता है. एवरीथिंग टेक्स एफर्ट्स. हर चीज़ में समय लगता है, मेहनत लगती है. इंग्लिश की अगर हम बात करें सो बहुत मुश्किल चीज़ है. टू बी ऑनेस्ट, लोग आपको नहीं बताएंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली यूट्यूबर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड दे वांट देयर ऑडियंस टू बी एंगेज्ड विद देयर वीडियोज. हर कोई चाहता है कि आप उनके वीडियोज को देखें. अगर वो सच बोल देंगे देन पीपल विल डेफिनेटली वुड नॉट एक्सेप्ट देम. एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग सच्चाई को. लेकिन मैं आपको कड़वा लेकिन सच्चा तरीका बताता हूँ अंग्रेजी में फ्लुएंट होने का. नहीं, बिकॉज 90% सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता. वो अपने तरीके से बोले जाते हैं इंग्लिश में. सीखने का तरीका, इंग्लिश में फ्लुएंट होने का तरीका और अचानक से सेंटेंस याद आ जाए जब भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसका तरीका सिर्फ ये है, यू विल हैव टू लिसन इंग्लिश. आपको अंग्रेजी सुननी पड़ेगी एंड आपको कम से कम 5,000 सेंटेंसेस सुनने पड़ेंगे. नाउ इट्स अप टू यू कि वो 5,000 सेंटेंसेस आप 5 दिन में सुन लो, 15 दिन में सुन लो, या 1 महीना लगा दो, या 3 महीने लगा दो. बट दिस इज माई कमिटमेंट कि जिस दिन आपके 5,000 सेंटेंसेस की लिसनिंग कंप्लीट होगी, यू वुड हैव अंडरस्टूड द सोल, द लॉजिक ऑफ इंग्लिश. लॉजिक आपको समझ आ चुका होगा. अच्छा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करना है और इस वाले सेंटेंस को ऐसे बोलना है. ग्रामर काम नहीं करती है, सेंटेंस आपको पता ही होने चाहिए. सबसे पहली चीज़ आपको इंग्लिश आती है. वोकैबुलरी इज नॉट द प्रॉब्लम. व्हेन यू टॉक टू समबडी इन हिंदी, यू आई थिंक यूजुअली यूज 50% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एट डेली कॉन्वर्जेशन. जब आप डेली कॉन्वर्जेशन करते हैं किसी से तो 50% इंग्लिश के ही वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. टेबल, चेयर, ट्यूबलाइट, फैन, गोइंग, कमिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, लाइक दैट. वोकेबलरी बहुत ज़्यादा टिपिकल शब्दों को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो यूज़ ऑफ यूजिंग हार्ड वोकेबलरी व्हेन पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड यू व्हाइल यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश, बिकॉज आर मोटो इज़ नॉट टू कन्फ्यूज द पीपल. आर मोटो इज़ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड वट एवर वी वॉन्ट टू टॉक, वट एवर वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस. गेटिंग माई पॉइंट? जो आप समझाना चाहते हैं लोग आसानी से समझ जाएं, ये आपका मोटो होना चाहिए. बात आती है ग्रामर की कि भाई दिमाग में तो होता है सेंटेंस बाहर नहीं आता. सेंटेंस बाहर इसलिए नहीं आता बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी. हिंदी से ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं एंड दिस इज नॉट द करेक्ट वे. ये सही तरीका है ही. गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज यू गो टू अमेरिका टुडे, यू वुड हैव बिकम परफेक्ट एट इंग्लिश विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज बिकॉज यू विल बी लिसनिंग टू द इंग्लिश कॉन्टिन्यूसली. सम पीपल से इट कंटिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली, कंटिन्यूसली. प्रोनंसिएशन, एक्सेंट में बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज देर इज़ नो यूज़ ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स. सपोज आई गिव एन एग्जाम्पल. नरेंद्र मोदी इज एन इंडियन, श्री अरविंद केजरीवाल इज एन इंडियन, राहुल गांधी इज एन इंडियन. आर देयर एक्सेंट्स सेम? किसी का भी एक्सेंट या प्रोनंसिएशन सेम नहीं है, सब इंडियन है. तो कहने का तात्पर्य यह है, एक्सेंट और प्रोनंसिएशन का कोई रोल नहीं है फ्लुएंसी के साथ. आपका शब्द क्लियर होना चाहिए. हाँ, कुछ हद तक हमें प्रोनंसिएशन पे जोर देना पड़ता है, समझना पड़ता है. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनंसिएशन अगर हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं तो वर्ड मीनिंग बदल जाता है. जैसे हियर, हियर, होल, होल. और भी 4-5 तरीके के वर्ड्स हैं जो मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जो वर्ड्स एक दूसरे से राइम करते हैं. तो हमें उनको बोलना सीखना है. अदरवाइज कांट का कैंट कर सकते हैं आप, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. ग्रामर आपका ठीक होना चाहिए, सेंटेंस का स्टार्टिंग और स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए. और वो चीज़ कैसे आएगी? जब आप सेंटेंसेस को सुनेंगे. तो बेस्ट एक्सरसाइज ये है, दो चीज़ें आपको बिल्कुल नोट करनी है. पहले तो वट एवर यू सी अराउंड यू, जो भी अपने आसपास आप देखते हैं, आप खुद से बोलना शुरू करो. आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को एडॉप्ट कर लेगा, आपने सही बोला या गलत बोला.
कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं, आपको बहुत दिक्कत आती है कि यार ये मैंने बनाया सही है गलत बनाया है, तो उसके लिए आप मेरे किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं कहीं पे भी हिंदी लिखो उसका इंग्लिश लिखो और कमेंट कर दो कि मैंने ये सेंटेंस बनाया है, इज़ इट करेक्ट और नॉट। यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर विद इन 5 और 10 मिनट्स, बिकॉज मैं पूरे दिन फ्री हूँ, मेरी टीम लगी हुई है, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो ये आपको एक इंग्लिश फ्रेंड मिल गया कि भैया जो भी इंग्लिश का डाउट थ्रू आउट द डे कभी भी आता है तुरंत लिख दो, आंसर मिल जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। खुद से बात करना शुरू करो, चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करो। कम से कम 1,000 सेंटेंसेस आप रोज़ बोलेंगे, 1,000 में से 300 सेंटेंसेस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। 10 दिन में 3,000 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए आपको याद होंगे, एंड दिस विल मेक यू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड दिस इज द ओनली वे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दो पॉइंट हैं, एक तो जो भी अपने आसपास चीज़ आपको दिख रही है उसको इंग्लिश में बोलो, दूसरी चीज़ ये है 5,000 सेंटेंसेस आपको सुनने हैं, 5,000 सेंटेंसेस सुनने का टारगेट बनाइए और इट्स डन। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, यू कैन सिंपली राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको जवाब दूंगा। और लाइव सेशन होता है मेरा डेली शाम को 9:30 बजे सेम चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9:30 PM यू विल सी मी ऑन द सेम चैनल। रोज़ाना आइए, 15-20 दिन के अंदर आपको खुद डिफरेंस दिखेगा। और मेरी विशेज आपके साथ में हैं, गुड बाय, विश यू लक, होप यू गेट सक्सेस एंड अचीव द गोल वट एवर यू हैव डिसाइडेड फॉर योर लाइफ।